तो एक दिन दोपहर में बैठे बैठे मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एंड तभी मेरे सामने ये रील आई एंड इसे देख के मैंने सोचा चलो इसको भी सीखते हैं। तो बस मैं उठा और मैंने मार्केट से बहुत सारे टूथपिक बाय किए और फिर एक थर्माकोल को टारगेट बनाने के बाद उस पर प्रैक्टिस चालू कर दी। सो आई थिंक स्टार्टिंग के हिसाब से इतनी डिस्टेंस सही रहेगी, तो चलो फिर चालू करते हैं। अब स्टार्टिंग में तो मेरा एक भी टूथपिक नहीं लग रहा था एंड मोस्टली सब यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले एक ट्यूटोरियल देख के टूथपिक फेंकने की टेक्निक को समझूंगा। एंड टेक्निक समझने के बाद जैसे ही मैंने प्रैक्टिस चालू की तो ये हुआ लिटरली थर्ड ट्राई, और फिर उसके तुरंत बाद ही सेम चीज हुई। हाँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी कौन सी टेक्निक सीख ली, तो चलो सबसे पहले आप लोगों को वही समझाता हूँ। अब टूथपिक को फेंकने के लिए सबसे पहले हमें अपने डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर की टिप पर टूथपिक को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद हम लोगों को अपने हाथ को टारगेट की डायरेक्शन में प्लेस करना है, और ऐसा करते वक्त हम लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि टूथपिक एक्चुअली में ग्राउंड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब बस आपको अपनी फिंगर को कुछ इस तरीके से फ्लिक करके टूथपिक फेंकना है। तो टेक्निक समझने के बाद मैंने जोरों शोरों से प्रैक्टिस चालू कर दी एंड स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड टू सी सम गुड रिजल्ट्स। एंड ऑल्सो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मैंने फ्लिक के साथ अपनी बॉडी को भी रोटेट करना चालू कर दिया। तो एक घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मेरा हाथ दुखने लगा और डे फर्स्ट के लास्ट में मेरे पूरे कमरे में हर जगह बस टूथपिक फैले थे। तो आज है डे टू एंड कल की प्रैक्टिस के बाद मैं टूथपिक में पावर देना तो सीख गया हूं, इसलिए आज मैं अपनी एक्यूरेसी वर्क करूंगा। ये वाला बोल जाएगा तो कितना करीब आया ये वाला। तो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो मेरे लगभग सारे थ्रोस सेंटर पर थे। हाँ किसी ने बोल जाए हिट तो नहीं करी, पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पावर के साथ साथ एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत गेन कर ली है। तो आज बेसिकली मैं थर्माकोल छोड़ के इस एप्पल में टूथपिक स्टिक करने का ट्राई करूंगा एंड देखते हैं ये कितना मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट ट्राई। अब एप्पल में टूथपिक स्टिक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे मोस्टली थ्रो बस उसको टच कर पा रहे थे, जिसका मतलब था कि मुझे और पावर की जरूरत थी, इसलिए मैंने और हार्ड ट्राई किया एंड फिर 20 मिनट बाद ये हुआ। ये चेक करने के लिए कि कहीं तुक्का नहीं था मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ। एक बार और ट्राई करें क्या? चलो एक बार करते हैं। थर्ड टाइम, और ये वाला बहुत परफेक्ट था। चलो अब बलून पर ट्राई करते हैं। तो ये है टूथपिक और ये है एक बलून, तो चलो इसे अब फोड़ते हैं। अब सही बताऊं तो बलून को फोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरे मोस्टली थ्रोस बलून को टच ही नहीं कर पा रहे थे, और जो टच हो रहे थे उनमें पावर नहीं थी। एंड 30 मिनट्स तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया एंड तभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एक्चुअली मैं बलून्स की हाइट मेरी थ्रो की हाइट से मैच ही नहीं हो रही थी एंड इसी वजह से मुझे झुक के थ्रो करना पड़ रहा था। तो इसलिए बलून की हाइट को बढ़ाने के लिए मैंने उसको फिर से एडजस्ट किया एंड हाइट को बढ़ाते साथ ही कुछ थ्रोज में ये हुआ। अब बलून को टूथपिक से फोड़ के मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन फील हुई, इसलिए मैंने फिर से एक और बलून पर ट्राई किया
एंड लिटरली दूसरे ट्राई में ये हुआ। सेकेंड टाइम में फोड़ दिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि अगली स्किल मैं क्या सीखूं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।